मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते नमस्कारम। मैं हूं पिंटू महाकुल। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं आप सभी लोगों के सुचिंतक हूं। मैं आज मोहना यात्रा कर रहा हूं। मोहना उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है और ये एक हिल स्टेशन है। मोहना गजपति जिला मुख्यालय पारलाखेमुंडी शहर से लगभग 106 किलोमीटर दूर और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। और मोहना एक सामुदायिक ब्लॉक यानी पंचायत समिति है। और मोहना शहर इसका मुख्यालय है। मोहना जैविक मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मोहना में मक्के के अलावा कई प्रकार की दालों की भी खेती की जाती है। मोहना जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है। यह कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। मोहना शब्द का सीधा संबंध भगवान से है और इसकी अर्थ है प्रेरक मूल्य आधारित आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होना। भगवान हमें मूल्य सिखाते हैं और संसाधनों की देखभाल करने का अधिकार देते हैं। हमें उनसे शक्ति मिलती है जबकि हम प्रकृति के माध्यम से अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं। मोहना का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए मन को ईश्वर से जोड़ना। पूर्व वैदिक यानी पुरातन काल में मोहना कोई मुनि ऋषियों की ध्यान और आज्ञा की यज्ञ की भूमि थी। आज मैं मोहना में हूँ। मोहना एक बहुत सुंदर नाम है। पूर्व वैदिक यानी पुरातन काल में मोहना कोई मुनि ऋषियों के ध्यान और यज्ञ की भूमि थी, ये हमें सबको पता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं मोहना में हूँ। देखिए प्रकृति कितना सुंदर गाना गा रही है। इधर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है। मोहना मुनि ऋषियों के लिए तपोभूमि थी। प्रकृति ने मोहना को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मक्का, दालों, जंगली केले और कटहल और कई औषधि और पौधे उपहार में दिए हैं। मोहना में प्रकृति सुंदर गीत गाती है। मनमोहक गीत प्रकृति गाती रहती है। हमें स्वयं को और जीवन के सौंदर्य को पहचानना होगा, इसीलिए प्रकृति को भी पहचानना होगा। इसीलिए हमें आत्मिक चेतना में रहने का अभ्यास करना है और अपने वास्तविक अस्तित्व को महसूस करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप चित्र देखते देखते सब कुछ समझ जाएंगे। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर जगत कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए।